दोस्तों माइक नहीं है तो आवाज़ ऐसी आएगी, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। सबसे पहले तो मैं दो तीन लोगों से सॉरी मांगना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि 15 दिन हो गए इन लोगों ने मुझे फिल्म भेजी थी कि ये वाली फिल्म देखना और उसका रिव्यू करना, पर मैं निजी समस्याओं के कारण वो फिल्म देख तो ली लेकिन वीडियो नहीं बना पाया, तो अब मैं बना रहा हूँ। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मुझे फिल्म सजेस्ट करते हो ये बहुत अच्छी बात है, इससे मुझे पता लगता है कि ये फिल्म आ चुकी है, कहाँ पर आई है, OTT भी बताते हो, ये अच्छी बात है। लेकिन 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 एकदम भरोसे में मत बैठा करो कि ये वाली जो वीडियो आएगी उसके बाद ही फिल्म देखेंगे, मतलब कि मैं अच्छी बोलूँ तो देखेंगे और बुरी बोलूँ तो नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। बाकी लोग का देखिए, मेरा क्या है टाइम का कोई फिक्स नहीं, क्योंकि मैं YouTube के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हूँ। YouTube सिर्फ एक शौक की तरह है, मेरा मूड हुआ फिल्म देखी तो मैंने वीडियो बनाया, एकदम रेगुलर कंसिस्टेंस ये वाला जो फंडा होता है वो मेरा नहीं है। तो दोस्तों मैंने दो फिल्म पहले देख रखी थी, अब बना रहे वीडियो, और इसकी रिक्वेस्ट भी थी, तो जिनने रिक्वेस्ट भेजी थी उनके लिए तो सॉरी बोल रहा हूँ कि देर से वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए। तो पहले बात करते हैं मायन फिल्म की। तो ये फिल्म 5000 साल पुराने जो खजाना होता है उसकी स्मगलिंग के ऊपर है, कि कैसे हमारे देश के मंदिर की जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं उसे कुछ लोग स्मगलिंग करके विदेश भेज देते हैं, और विदेशों में वो बहुत ही महंगे दामों पर बिकती हैं और यहाँ पे औने पौने दामों में खरीद के ले जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए कैसे ये हीरो उनकी टीम में मिलकर प्लान बनाता है वो इस फिल्म में आप देखेंगे। फिल्म का आइडिया अच्छा था, लेकिन ये फिल्म पूरी देखते समय ऐसा लगा मुझे जैसे कि ये जो पहले जमाने में डिशुम डिशुम टाइप की ऑडियंस होती थी ना, सब सच मान लेती थी, वैसे ये फिल्म वालों ने सोचा होगा कि ऑडियंस है सब सच मान लेगी। थोड़ा सा नकलीपना लगा और ऐसा लगा थोड़ा ओवर है, यानी बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई ये फिल्म, उनको तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फिल्में देख लेते हैं ना हॉलीवुड लेवल की या नेटफ्लिक्स प्राइम OTT वाली, तो उनके हिसाब से थोड़ी हल्की है। तो ये फिल्म सो फिल्म है, मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ज़्यादा बेकार भी नहीं है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एवरेज से भी बिलो लगी, बहुत मतलब कि इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगर उनको टेंशन होनी चाहिए तो टेंशन जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, तो जिससे फील ही नहीं हो पाया कि वो लोग टेंशन में हैं। तो बिलो एवरेज मूवी मेरे को ये लगी, यूट्यूब पर अवेलेबल है। दूसरी फिल्म मैंने देखी डबल ट्रबल, जो कि जियो सिनेमा पर है, विजय सेतु सर की। इस फिल्म के साथ क्या है ना कि जो नारीवादी जो फेमिनिज्म लोग हैं उन लोगों ने कह दी कि ये इस तरह से पुरुषों का महिलाओं को धोखा देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी ये फिल्म देख के, और बहु पत्नी वाद बढ़ेगा, यानी एक आदमी 3-4 पत्नियां लेके करेगा ऐसे ऐसे, तो उस तरह से वो गलत मैसेजिंग की वजह से शायद ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट ना हुई हो। लेकिन जब फिल्म देख रहा था मैं, तब मुझे तो मतलब स्मूथली चल रही थी और हल्की हल्की मुस्कान के साथ मैं ये फिल्म देखते जा रहा था, मतलब बोर नहीं हो रहा था कहीं पर भी। लेकिन इस फिल्म का जो एंड है वो बिना कंक्लूजन वाला है, कि शुरुआत में उन्होंने प्रॉब्लम अच्छे से दिखा दी, दो पत्नियां भी कर ली, अब उसका सॉल्यूशन क्या निकाला है, वहां पे डायरेक्टर साहब भटक गए और डायरेक्टर साहब यहाँ पर भी भटक गए कि दो पत्नी एक पति है, तो इसे कॉमेडी में रखे हैं, एडल्ट कॉमेडी में रखे हैं, या पूरी फैमिली के लिए हिसाब से बनाए, तो वो तीन चीज का जो मिक्सिंग होता है वो अच्छे से नहीं कर पाए। तो ये फिल्म जो एडल्ट कॉमेडी सोच के जा रहे थे उनको भी निराशा लगी, और जो फैमिली एंटरटेनमेंट देखने जा रहे थे उनको भी लगा कि यार ये थोड़ा सा वैसा हो गया। हालांकि फिल्म में कुछ वल्गरिटी और वैसा नहीं है, कॉमिक सीन है, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पाए डायरेक्टर साहब इस फिल्म के साथ, मतलब न्याय नहीं कर पाए जैसा स्टोरी सोची थी। यही फिल्म को अगर एनिमल का डायरेक्टर बनाता, एक पत्नी और दो, तो वो एकदम सच्चाई के साथ बनाता और जो प्रॉब्लम वास्तव में होती वैसी ही प्रॉब्लम वो रखता। लेकिन तब भी फिल्म अगर आप देख रहे हो तो मज़ा आएगा, मतलब कि सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हो तो मज़ा आएगा, क्योंकि कुछ है नहीं आपके पास और समय गुजारना, तो आप देख रहे हो तो अच्छी लगेगी, क्योंकि क्यूट क्यूट से मूवमेंट फिल्म में आते रहते हैं, लेकिन जब एंड होता है तो वो जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ता, ना चाहे इमोशनली होना चाहिए कैसा भी। तो ओवरऑल डबल ट्रबल मूवी मायन मूवी से बेटर निकली मेरे लिए। तो दोस्तों इन दोनों फिल्मों के बारे में यही कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम।